शेमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाथ दे रहे राजू, ये लो, नीचे गटर है संभाल के। चला रा, हमारे लफड़े की वजह से बेचारी लड़की फंस गई रे देवा। ट्रेन में खाने के लिए कुछ लेना पड़ेगा। उसका बाप भी अपाहिज है, क्या कर दिया हम लोगों ने। पीने के लिए पानी की बोतल भी चाहिए। ये बहुत गलत हुआ रे देवा, बहुत गलत हुआ। अरे जल्दी चलो यार, ट्रेन छूट जाएगी। साला आदमी है कि दगड़ है रे तू? वो लड़की को बेचारी को गुंडा उठा के लेके गए, पर ये साला मुंह छुपा के भागने की बात करता है। अरे मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, मैं इधर ही हूं। तुम लोगों की जाने की बात कर रहा हूं मैं। ये राजू, ये राजू, क्या बोला रे तू? साला जुआ खेला मैं, दाव पे लगी वो लड़की, तुम लोगों को मैं ही रोड पे लाया। अभी जो कुछ करना मेरे को करना है। तुम लोग जाओ ट्रेन पकड़ो, यहाँ खतरा है। पर करेगा क्या रे तू? हा? कुछ नहीं, जाऊंगा वो तोतले तिवारी के पास, उसको बोलूंगा लड़की को छोड़ दे, मुझे पकड़ ले। अरे वो तोतला तिवारी येड़ा है, वो तेरी जान ले लेगा रे। मार डालेगा ना मेरे को तो मार डाले, खत्म कर डाले मेरे को। कम से कम ये पाप तो मेरे सर से हटेगा। जाता हूं उसके पास और उस लड़की की जिंदगी भीख मांगता हूं उससे। ए राजू, ये हलकट, ये शक्ल देखा रे तेरा, कौन भीख देगा रे तेरे को? ये मुझे देख बाबा, मैं रेडीमेड भिखारी लगता है, मेरे को तेरे साथ आना पड़ेगा। चल चल, मैं तो पैदा होने से ही मांग रहा हूँ, पहले माँ बाप का प्यार, फिर पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और अब नौकरी। मेरा तो मांगने में बायोडाटा बहुत स्ट्रांग है, PhD हूँ, मेरे को तो चलना ही पड़ेगा। नहीं, अमीर मुझे बनना था। जब पाप मेरा तो सजा तुम लोग क्यों भुगतो? ये गब्बर श्री करिए पाप पाप पाप। देखे, तूने पाप का गठरी बांधा तो मैंने भी मेरा लालच का पोटली अंदर रखा था ना। लेकिन बाबू भैया ये सब क्या बोल रहा है तू? ज्यादा बोला ना तो एक लाफा मारूंगा। बाबू भैया बहुत चालू आदमी है, एक तो हमें पाप में भागीदार जबरदस्ती बनाता और फिर जब प्रायश्चित करने का टाइम आया तो अकेला चल दिया तू, ऐसे कैसे? ये देख, मजा मारने को हो कि सजा काटने को, तीनों का हिस्सा बराबर का होना चाहिए। अगर राजू दो फटका खाएगा तो श्याम भी दो फटका खाएगा, और श्याम दो फटका खाएगा तो मेरे को भी एक फटका तो खाना पड़ेगा कि नहीं है? ए, चलो डॉन के पास जाके दया की लोन मांगते हैं। चल चल देवा, चल। क्या ले? तुम तो बोल रहे थे ये लोग भाग गए। सेठ जी, ये हमारे आपस का मामला है, उस बेचारे को छोड़ दीजिए ना। आप चाहें तो मुझे गिरवी रख लीजिए, लेकिन इसकी बहन को छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे, तो फिर मेरे पैसे कौन देगा? जी मैं दूंगा, आपके 20 लाख मैं दूंगा। 40 लाख? 40 लाख क्यों? क्या तुम तो डबल तन्ने वाले थे ना? 40 लाख और वो भी 3 दिन में। ए बाबा, 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रहे। बाबू, ठीक है, 3 दिन में 40 लाख मैं दूंगा। तिलूफता है ते तुम दादो दे नहीं। मैं सब, अगर भागना ही था तो हम आपके पास थोड़ी ही आते। प्लीज इसकी बहन को छोड़ दीजिए। ठीक है, ए पप्पू, तुम दाते दाते अपनी बहन तो ले जाना। गेहूं जा, गेहूं जा, 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 जा,
चल बे, ताला खोल। वो ताला का चाबी नहीं है रे मेरे पास। अबे चुप, तेरे को नहीं इसका बोल रहा हूँ। कमाईला, तोड़ दिया। कौन सा दातुन वापरता है तू बाबू भैया? ये हमारा ये पुरानी पेटी का ताला खुल नहीं रहा है, खोल के दे दे। अब चुप, पुलिस स्टेशन गए या कहीं भी भागने की कोशिश की तो तोड़ दूंगा। 3 दिन के बाद पैसा लेने आऊंगा, पैसा नहीं मिला तो तुम्हारा वक्त खत्म। पीटर, बोलो रंजी भाई। मुझे तुम पर इतना भरोसा है जितना आपको आपकी बीवी पर भी नहीं है। सही कहा, आज जितना भरोसा तुम पर है उतना भरोसा 1 साल पहले मुझे मुन्ना पर था, लेकिन वो गद्दार निकला। डोंट वरी नंजी भाई, मैं वफादार कुत्ते की तरह हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हें अपना अड्डा दिखाने लाया हूँ। ये देख। पुलिस चौकी में अड्डा? चौकी में नहीं, छत पर। जा ऊपर जाके माल और रोकड़ा लेके आ। ए गोटिया, नानजी भाई का नया भर्ती आया है, इसको माल और रोकड़ा देने का है। चले, ये माल है और ये रोकड़ा, संभल के। चल। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। किधर से लाके देगा बाबा वो तोतला सांड को पैसा, किधर से लाके देगा तू? गुनेगार हूं ना मैं आपका? अब तो एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। तो आपका धोती बेचेगा मेरा? हर इंसान के पास 2 किडनी होती है। तो लेकिन इंसान 1 किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है। क्या बात कर रहे रे बाबा? किसी पैसे वाले पेशेंट को 1 किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर 1 आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर 1 किडनी, फिर 1 आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूंगा। अपना किडनी बेचेगा, अपना आंख बेचेगा, देव मानुष निकला रे तू। देव, मैं अपनी किडनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके किडनी और आंखों की बात कर रहा हूँ। छोड़ना मत इसको, मर्डर कर देना इसका। तुम मेरे को मारेगा, तुम मेरा बहु भैया लग जाएगी। क्या कर रहे हो? मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्या कर रहे हो? मर्डर हो जाएगा, मजाक कर रहा था मैं भैया। अरे टमाटर है बाबू भैया, टमाटर है। इसके मुंह पे मारो। चलो शांत हो जाइए, चलिए चलिए आप बाबू भैया, चलिए भाजी वाला लेके टमाटर का चटनी दिखा दे कुत्ते। रंगीन चद्दर कौन है पता नहीं। मैं देवदास हूँ। परू पार नहीं रे पीटर, तेरे को नानजी क्या राणा बना के भेजा था ना, तो क्या उसने रानी बना के भेज दिया? छिछोरे बने क्या कर रहा रे? बहुत खतरा है,
वो नानजी भाई के कबूतर इधर उधर घूमता रहता है, अगर किसी को पता चल गया मैं इधर आया हूँ तो मेरा गेम बचा देंगे। अबे नानजी से इतनी तरक्की तो यह जग मार रहा है। नानजी भाई का खजाने का पता चल गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। माल की देर है, चल इधर आ बता। खेतवाड़ी पुलिस चौकी के ऊपर एक टेरेस फ्लैट है, वहां मैंने अपनी आंखों से देखा जूते के बॉक्स में करोड़ों में रुपया भरा के रखा है, दो बैग में कम से कम 3-4 करोड़ होंगे। ये हुई ना बात, कल दोपहर को करोड़ों रुपया उधर से उड़ा के इधर, और उसके बाद अब नानजी भाई से भी बड़े भाई बन जाएंगे। भाई भाई अब कमाल है, भाई कमाल है, कमाल है। कांजी नानजी को नानजी बनाने वाला कौन है? आप ना भाई, आप भाई मेरा 50% डोंट फॉरगेट। अबे तेरा 50% पक्का, मेरा 50%, बाकी बच्चे लोग नागिन निकाली मुन्ना पर डोला अलग ला, बिलिंची नागिन निकाली मुन्ना पर डोला। भाई मेरे को लगता है लड़की सीटी मार रही है। अबे पीएल है, हम लोग चढ़ी तेरे को है, ये ड्रेस पहना है ना, अभी तो खाली सिटी मार रही है, निकल लेने से झाड़ू मारेगी। फर्स्ट क्लास खाली खाली हो गया रे, फर्स्ट क्लास। भैया मेरी बात सुनो, इधर आओ, चलो उधर। नहीं मेरे को किडनी नहीं बेचने का है। अरे आपकी किडनी नहीं चाहिए मुझे। नहीं मेरे को आंख नहीं बेचने का है, आंख और किडनी नहीं चाहिए। जल्दी आओ, कम ऑन। एक ऐसी बात सुनी है मैंने कि सुन के तुम लोग पागल हो जाओगे। कौन से रेडियो पे सुना रहे तूने? अरे रेडियो स्टेशन पे नहीं, वो अपना बाजू वाला नहीं है मुन्ना, धोतर चोर नहीं, कसम से बोलता हूँ, गुरु घंटाल आदमी है, मैंने खुद अपनी आंखों से अपने कानों से सुना है। उन लोग बात कर रहे थे कम से कम 4 करोड़ रुपए चोरी करने की बात कर रहे थे, चोरी करके वो लोग अपने बाजू वाले कमरे में लाने वाले। जाके पुलिस स्टेशन में बताना हमें यहाँ ऊपर क्यों लाया। अरे मेरे पास एक मस्त प्लान है, क्या है ना मालूम है आपको? वो मुन्ना और उसके आदमी जब चोरी करने के लिए घर से निकलेंगे ना, अपन चुपचाप बेस बदल के उसके रूम में जाके बैठ जाएंगे, जैसे उन लोग माल लेकर आएंगे ना, सामने बंदूक रख देंगे और सारा माल उनका लेके निकल जाएंगे। और अपने को वो तोतला तिवारी को कितना 40 लाख देने का ना, 40 लाख अगर 4 करोड़ से निकल जाए तो कितना बचेगा अपने पास? 360 हिस्सा बराबर याद रखते हो, 360 उसको अपने पास रखेंगे और फिर उसके बाद 30 जन हिस्सा कर लेंगे और ये शेह छोड़ के ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में केस करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? बकवास कर रही है, हमें रोड पे ले आया, अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? बाबूया आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। अरे पहले हम लोग क्या कम फंसे हुए हैं, वो लोग 40 लाख मांगेंगे तो कहाँ से 40 लाख देंगे उनको? बाबू भैया वो काला सांड और वो कुतुब मीनार जब पैसे मांगेंगे तो क्या जवाब देंगे उनको? पप्पू की बहन को क्या जवाब देगा? खुदकुशी करेगा यहाँ से? मर्डर करूंगा तेरा। बाबू यार मैं तो बोलता हूँ फसाद की जड़ को, बर्बादी के जड़ को नीचे फेंक देते हैं। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, ऊपर से नीचे, नहीं बचूंगा, फेंक दो मुझे, फेंक दो, फेंक दे मेरे को, मार कर तुम लोग भी नहीं बचने वाले। अरे आप तो समझदार है, समझाओ इस बेवकूफ को। मैं समझता हूँ रे बाबा। क्या समझते हैं आप ठीक से समझिए, ये हमें डाका डालने के लिए समझा रहा है, फिर कल कहेगा कि उसका खून भी कर दो। बराबर, अरे खाक बराबर है, मैं मंदिर से चोरी करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो चोर के घर से चोरी करने को बोल रहा हूँ, खून करने को थोड़ी बोल रहा हूँ। तू समझा श्याम, ये खून करने को नहीं बोल रहा है रे। बाबू भैया गलत रास्ता है ये। यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है। मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है बाबू भैया। नहीं यही सही रास्ता है। सही रास्ता। अरे कैसे सही रास्ता है? मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? तू बंदूक कहां से लाएगा राजू? उसकी फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त करेगा, उसकी फिक्र मत कर। जी इस किताब में जो बंदूकें हैं ना, वो सब 15 बंदूकें एक येड़े पारसी के पास हैं, और वो 3 खास बंदूकें भी सेठ जी, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की कीमत है। धन्यवाद सेठ जी। तेदी मैं तो बोलता हूँ तब तक पैसे नहीं आते इतने तो नहीं तोलते, क्या बोलते हो? ठीक है लेते हैं, धोते
उत्पाद भी होती बंदूक तो पता चला दियो पालती ताला मुंबई में और 15 बंदूक बीते पाते लेकिन ताले का तो आता पता नहीं है। अरे तो ढूंढो मुझे सपने में पालसी नजर आता है बंदूक नजर आती है पारसी बंदूके सर जी अगर उस पारसी से मैं वो 15 बंदूके ला के दूं तो तू जल्द से ला दे सर जी ये मेरी जिम्मेदारी है आप सिर्फ मुझे 2 दिन का मौका दीजिए मैं आपको ला के दूंगा ठीक है अगर तू वो 15 बंदूके मुझे ला तल देगा तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा देखो बंगले के अंदर पारसी सोया हुआ है उसको जगा लेगा उसके पास 15 बंदूके हैं 15 उन बंदूकों को फटाफट उठा के लाना है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा क्लोरोफॉर्म निकाल जल्दी ये ले ठल ठल और एक मिनट मस्त है चल कौन है क्या करता है क्या करता है क्या हमने देखा और 17 क्या बात कर रहा 17 गन और ये 3 20 लेकिन पप्पू ने तो 15 बोला था आइडिया 15 की जगह पे 17 दे डालते हैं उसको 2 एक्स्ट्रा वो खुश हो जाएगा और सुन ये 3 है ना हम लोग चोर बाजार में बेच डालते हैं 50-50 क्या बोलता है लेकिन पप्पू को बोलना मत हां नहीं बोलूंगा हलाम दादे कहां है वो 3 बंदूक कौन सी 3 बंदूक आपने 15 बोली मैं 17 लाया अबे ये 3 बंदूक किधर है अबे ये 3 बंदूक इंटरनेशनल मार्शल में कलर होती थी बता किधर है अबे बोल किधर है तेरे को तो गाली डालूंगा मैं लाता हूं सर जी मैं लाता हूं एक और एक 11 टीचर का नहीं सुनने का पागल है ए बंदूकें किधर है ये स्कूल में जाएगा ना तो ऐसा हालत होएगा खुद के पास बंदूक और हमको पूछता है बंदूक किधर है ज्यादा नौटंकी मत कर साले 6 की 6 गोलियां घुसाऊंगा पेट में वो 3 बड़ी वाली बंदूकें कहां है वो हां वो तो मैंने बेच डाली भाई क्या बेच डाली हां तेरे को किसने बोला था ये बंदूकें बेचने के लिए तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा तेरे को डबल चाहिए ट्रिपल जितना चाहिए सब दूंगा लेकिन वो तूने बंदूकें किसको बेची अभी वो रहता कहां है मुझे कैसे मालूम मेरे घर आई एक नन्ही परी राजू ये असली है या नकली असली है यार क्या बात कर रहा है ये अंदर गोली है क्या क्या है बहुत अंदर है लेकिन बहुत अंदर है ये गिरा क्या गिरा है? अरे छोड़ो ना कुछ नहीं गिरा अरे साला गिरा हो तो ऐसा 2-4 फेंक के मार दूंगा अरे जो भी है ये बंद तकदीर का ताला खोलने वाली है अरे मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है मेरे को भी हो रहा देखिए ना चोर के घर में चोरी अरे होगी फिर हेरा फेरी इतना टाइम हो गया पता नहीं मुन्ना भाई इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं आगे पुलिस अरे पुलिस तो नीचे रोज आती है अबे ये वो पुलिस नहीं है लगता है स्पेशल ब्रांच का पुलिस है तुम लोग भागो इधर से अब क्या होगा देखते पुलिस की रेड पड़ गई है तुम लोग अपने अपने गांव भाग जाओ मैं संभाल लूंगा लेकिन नानजी भाई को मैं संभाल लूंगा भागो संभालोगे ना अरे भागो उधर से नहीं पुलिस आ रही है पीछे के रास्ते से जाओ भागो भागो अरे जाओ भागो इधर से भागो साहब पुलिस स्टेशन तो इधर है आप ऊपर कहां जा रहे हो कौन सा सेक्शन मैं पुलिस नहीं हूं फिर सीआईडी हूं पर साहब फिर आपने ये पुलिस वाले की वर्दी क्यों पहनी है अभी क्या सादे कपड़े में सबको डाउट जाता है कि ये सीआईडी का आदमी है पुलिस का वर्दी पहनेगा तो किसको डाउट जाएगा कि सीआईडी का आदमी है वाह वाह क्या आईडिया है ताली क्या मारता सलाम मार सब सब एंड अप कोई नहीं लेगा
अरे यहाँ कोई नहीं है, पूरा लाइन क्लियर है। मैंने उनको बोला कि पुलिस आ गया। पुलिस आप लोग है, आप लोग पुलिस। क्या डरा दिया यार तूने? रोकड़ा कहाँ? अरे रोकड़ा तो नानजी भाई कल ही ले गए, लेकिन अंदर जो माल पड़ा है रोकड़े से कम नहीं है, कम से कम 3-4 करोड़ का होगा। ये किधर है? पूरा बैग भर ले रे। किधर है? अंदर है रे। नांजी से कांजी निकाली। ये देखो माल, कम से कम 3-4 करोड़ का है। गुड, मैंने 2 बैग भी रेडी किया है। अब मैं नांजी भाई की खटिया खड़ी कर दूंगा और अब मुझे भाई बनने से कोई रोक नहीं सकता। या भाई बनाया, भाई बनाया तूने। तेरे बिन चैन मत कौन आए, तेरे बिन नींद मत कौन आए। अच्छा हो रहा बाबा, मेरा मोहिनी थिएटर का पीटी से जोकर का ड्रेस भी मिल गया। अच्छा हो रहा बाबा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आप लोग चुपचाप कहीं ना कहीं छुप जाओ। चलो छिपने का? चलो आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबा अपने घर में छुपने का, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बराबर कि नहीं राजू? बाबू भैया छुपना, नाम नहीं लेने का। तू समझा श्याम, ये राजू बराबर बोलता है, किसी का नाम नहीं लेने का। हो तो भी संभालो, नाम क्यों ले रहे हैं आप? छुप जाओ, कहीं भी पीछे जाके छुप जाओ सब लोग। अरे क्या कर रहे हो आप? तू बोला ना पीछे छुप जाने को। अरे मेरे पीछे मत छुपो, उधर जाके कहीं छुपो। जल्दी चले हो, पड़ोसियों को पता नहीं चलना चाहिए, काम करो तरीके से। यस सर, देखो चाका मत अबे चाबी निकल। पुलिस 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 पुलिस। अरे बाप रे, पुलिस है? पुलिस लेकिन इसी जोकर की ड्रेस में। अरे ये तो बाजू वाला है, ये तो धोतर चोर है रे। अरे तो फिर हम डर क्यों रहे हैं इनसे? हैं? ये असली पुलिस हमारे बाबा। लगता है खुफिया पुलिस है। साहब सीबीआई से क्या आप लोग? नहीं एसआरबी। एसआरबी? एसआरबी बोले तो स्पेशल ब्रांच के होते हैं, तेरे को नहीं मालूम है? भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। कोई एक दूसरे के पैर नहीं दबाएगा। नहीं करे सर। बैग पीछे करो, नीचे जल्दी, और अब हाथ ऊपर करो। जो करे रस्सी लेके आओ। जो कर भी रस्सी ले आओ। रस्सी तो मैं भूल गया रे राजू। रस्सी भूल गए बेवकूफ? बी कैटेगरी के सी क्लास लोग, कहीं से भी रस्सी लेके आओ। जो करार, मेरा पजामा का नाड़ा चलेगा? नहीं। ये बाबा, ये तेरे पास रस्सी है क्या घर में? रस्सी मैं थोड़ा घाई घाई में भूल गया रे। रस्सी है मगर वो क्या है कि बांद्रा में है, जाके लेके आऊं क्या? अभी लेके आता हूं। बांद्रा नहीं रे बाबा, तेरी खोली के सामने तो जिस पर कपड़ा सुखाता है ना वो रस्सी ला। जा लेके आ, लेके आऊं, लेके आना। एक मिनट, वो तेरा कपड़ा सुखा दे वो ही रस्सी लाना, बाजू वाले का नहीं। आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना पिटोस पिटोस। रस्सी रस्सी लेके जाने। घूम क्या घूम क्या, रिवर्स। हाँ चले गए इतने रस्सी। अबे शादी में आया जो मैं तुझे मंगलसूत्र पहनाऊंगा, बड़ी रस्सी लेके आ, वरना ये गन देखा मार मार के 2 फीट का कर दूंगा, समझे? साहब हम लोग मैनेज कर लेंगे ना साहब, रस्सी ला कर लेंगे ना साहब। पकड़ो करो। जोकर भी जोकर है, हेल्प करो, मदद करो। तेरे पीछे मैं हूँ। और सब थोड़ा थोड़ा रस्सी बांधना, चीटिंग नहीं करना, टाइट है ना? अरे साहब लूज हमको चलता भी नहीं है। गुड। हाँ निकलेगा नहीं ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सुबह तक हिलेगा नहीं साहब, जवान दिया हिलेगा तो 3 बाप का। गुड है सर, बाय बाय। अरे झुक के क्या कर रहे हो आप? ताला खोल रहा हूँ। अरे ताला मारने को किसने बोला था आपको? अरे ताला मारेगा तो ही बाजू वाले को लगेगा ना कि बाहर गए, ले तो लगेगा कि हम लोग अंदर बैठे हैं। ये लात मत मार, भेड़िया खोल रहा हूँ। चलो चलो। अबे मेरे को तो अंदर लो। अरे आज आज अरे बाबा तेरा मेन आइटम ही बाहर रह गया। ये ताला, ये कोई अभी ये ले, दरवाजा बंद कर दिया, फर्स्ट क्लास सब अंदर आ गए। चलो कॉस्ट्यूम पहना हुआ तुमने अभी भी? अरे की तुम हैं।
वो क्या कबूतरों की तरह हवा में उड़ गए? सॉरी, चल मेरे साथ, तेरे को बताता हूँ। चलो बैग चेक करते हैं, चलो माल, जल्दी कॉल, जल्दी कॉल, जल्दी कॉल, जल्दी कॉल। बहुत दिनों के बाद हरी पत्ती देखने को मिलेगा देवा। ये तो घास फूस है। घास नहीं है रे, घास के नीचे देख, वो हम लोग आम के ऊपर घास कैसा बिछाता है, असली माल नीचे होगा। तू देख, आम पकाते ना वैसे माल, ये पकेगा माल। कुछ नहीं है यहाँ पर। अरे ये तो आटा है, आटा भी है इसमें। क्या मायला, ये इतना मेहनत करने के बाद में मिला क्या, गाय का चारा? और वो तोतरे सांड को क्या आटा खिलाएगा तू? मार डालेगा हमें। अरे ये घास फूस नहीं है तो ये अपना गांजा है, गांजा। चरस गांजा। हाँ, और ये हीरोइन है। कौन सा पिक्चर का हीरोइन? अरे पिक्चर के हीरोइन नहीं है, ड्रग्स है, ड्रग्स। ड्रग्स दे यार, पुलिस वालों को दे देंगे, वो कर लेंगे जो करना है इसके साथ। अरे यार बेवकूफो, अपने को लाखों चाहिए, करोड़ों चाहिए। क्या बात करता है, ये घास का तेरे को लाख रुपया कौन तेरा बाप देगा रे? ये लाखों का माल नहीं, करोड़ों का माल है। तेरे को कैसे मालूम? मेरे को सब मालूम है, मेरे को मालूम है। वो जो 4-5 करोड़ की बात कर रहे थे ना, उन लोग ड्रग्स की बात कर रहे थे। और मैं एक और आदमी को जानता हूँ जो इसकी हेरा फेरी करता है, उसको मैं जानता हूँ। हम लोगों को कम से कम 3 करोड़ रुपए मिलेगा। 3 करोड़? हाँ। 3? ये बेच के अपना कर्जा तो चुकता हो जाएगा ना राजू, तेरे को इतना मालूम है ना? साफ चुकता हो जाएगा। और बाकी जो गांजा बचेगा उसकी अगरबत्ती बना के बेच डालेंगे। माली माल है। जोक मारा, सो जाओ, सो जाओ, समझो करोड़पति बन गए। और टूंडे की तरह मत रहो, पांव सीधे करो।